और यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी लोग बहुत आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। आपका स्वागत है एक ट्रेवल एंड ट्रैक इन्फो में। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। यह प्रसिद्ध संग्रहालय गोंड वीरांगना रानी दुर्गावती को समर्पित है। यह संग्रहालय वीरांगना रानी दुर्गावती की शहादत और आत्म बलिदान के प्रतीक के रूप में गिना जाता है। और फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय। जैसे ही हम यहाँ से प्रवेश करते हैं, टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ले सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं संग्रहालय के प्रांगण में रखी प्रतिमाएं, जो कि 10वीं शताब्दी, 11वीं और 12वीं शताब्दी की प्रतिमाएं हैं, जो अलग अलग जगहों से लाई गई हैं, जैसे सिहोरा, दमोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर एवं अन्य जगहों से। ये फ्रेंड्स हीरा वाटिका। यह पासनाथ लगभग 11वीं शताब्दी की जबलपुर से ली हुई प्रतिमा है। आइए हम हीरा वाटिका में प्रवेश करेंगे। प्रवेश कर चुके हैं हीरा वाटिका में और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की और भी लाजवाब प्रतिमाएं। सच में जब आप प्रतिमाओं को देखेंगे तो आपको जो हमारा इतिहास है जो गुजर गया वो आपको आपके सामने खड़ा नज़र आएगा। दुर्गावती संग्रहालय के बाहर जो वाटिका है उसमें लगी हुई प्रतिमाएं हमने देखी हैं। अब हम प्रवेश करेंगे संग्रहालय के अंदर और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है, यह है मेन गेट जहां हमें प्रवेश करना है और अंदर में जो संग्रहित की हुई चीज़ें हैं हम यहां पे देख सकते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं सामने गोंड वीरांगना रानी दुर्गावती की गजारूढ़ प्रतिमा तथा ऊपर भित्ति दीवार पर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित चित्र विवरण सहित प्रदर्शित हैं। इस संग्रहालय में कई मूर्तियां, शिलालेख, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व की अन्य कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह संरक्षित है। प्रथम तल में जैन गैलरीज, वैष्णव गैलरीज, शिव गैलरीज। आइए हम देखते हैं इन प्रतिमाओं को। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं द्वितीय तल में। हम आ चुके हैं ऊपर। यहाँ है अप्सरा गैलरी, सभी प्रतिमाएँ जो कि प्राचीनतम है। इस दीर्घा में अप्सराओं, सुरसुंदरियों एवं नायिकाओं की प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। ये जबलपुर जिले के तेवर, जिलहरी तथा अन्य गांवों से प्रदर्शित की गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं का निर्माण त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। कॉइंस गैलरी में प्राचीन भारत के सिक्के देखने को मिलेंगे, जैसे पंचमार्क के सिक्के, विदेशी सिक्के, जनपदीय सिक्के, कुषाण सिक्के, नागवंशीय सिक्के, गुप्त वंश के सिक्के, मध्यकालीन राजवंश के सिक्के, दक्षिण भारतीय सिक्के, सुल्तान शासकों के सिक्के, मुगल शासकों के सिक्के और ब्रिटिश कालीन सिक्के। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आगे एक कांच लगा हुआ है और पीछे में आईना है, इसीलिए आपको हो सकता है अच्छे से दिखाई ना दे, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से दिख जाए। ये ब्रिटिश शासन के सिक्के हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा आपने प्राचीन काल के सिक्के जो कि अलग अलग शासकों के समय के सिक्के हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सब अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं। मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि मैं आपको इन सिक्कों को दिखा सकूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है मुगल काल के सिक्के हैं। फ्रेंड्स, ये है आदिवासी गैलरी, गोंडवानी की जनजातियाँ और उनकी परम्पराएँ। आदिकाल से विंध्याचल, मेकल और सतपुड़ा पर्वतों के सघन वन और नदियों के तटवर्ती इलाके आदिवासियों की क्रीड़ा स्थली रहे हैं। इस गैलरी में आदिवासी जनजातियों के रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, मड़ई मेला जाते, काम काज करते दिखाया गया है। साथ ही उनके द्वारा पहने जाने वाले
सौंदर्य प्रसाधनों को भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही उनके वाद्य यंत्रों जैसे ढोलक, बांसुरी एवं अन्य वाद्य यंत्रों को भी प्रदर्शित किया गया है। फ्रेंड्स, यह है अभिलेख गैलरी। यहाँ पर हम 10वीं, 11वीं, 12वीं अन्य शताब्दियों के अवशेष देखेंगे, जैसे भू उत्खनन से प्राप्त अवशेष, शिलालेख, अनेक शासकों के ताम्रपात और अन्य अवशेष। अंकल हैं जो कि यहाँ पे पदस्थ हैं, हम उनसे कुछ जानकारी लेंगे जैसे कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या देख सकते हैं, तो उनके नॉलेज में जो भी है वो आपको बताएंगे। तो आइए हम अंकल जी से बातचीत करते हैं। यहाँ पर है आदिवासी गैलरी है, शिव प्रतिमाएँ हैं, जैन प्रतिमाएँ हैं, शिलालेख ताम्रपात्र वगैरह हैं, वो बुद्ध प्रतिमाएँ हैं, यहाँ वो रानी दुर्गावती के नाम से म्यूजियम प्रसिद्ध है और यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी लोग बहुत आते हैं। अभी तो खैर कोरोना काल के कारण विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं, परंतु यहाँ आते जाते रहते हैं और ये हमारा म्यूजियम जबलपुर में प्रसिद्ध म्यूजियम है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।